कुंडलिनी जागरण, इस विषय पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, परंतु आज का ये वीडियो कुछ खास है। बेसिकली कुंडलिनी जागरण हमारे शरीर के साथ किया जाने वाला एक खतरनाक प्रयोग है। और इसे मैं खतरनाक क्यों कहता हूं, क्योंकि यह अप्राकृतिक तरीका है। तो चलो जरा इसे गहरे में उतर कर देखें, इसे वैज्ञानिक ढंग से समझें। बेसिकली हमारे शरीर में एक शक्ति है जो सोई हुई है, या मैं कहूं जो ज्यादा सक्रिय नहीं है, बस कुछ ही मात्रा में सक्रिय है, और इसी शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तल पर 7 बिंदु होते हैं, और यही 7 बिंदु ऊर्जा के केंद्र होते हैं, और हर एक बिंदु की, या मैं कहूं हर एक चक्र की अपनी अपनी एक अलग शक्ति होती है, एक अलग संभावना। इन 7 बिंदु में अगर कोई भी बिंदु ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तब आप में कुछ असीम उपलब्धियां आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि एक कुंडलिनी की शक्ति हर मनुष्य के अंदर है तो सही, परंतु यह उतनी सक्रिय क्यों नहीं है? प्रकृति ने यह शक्ति सभी मनुष्य को दी है, परंतु सोई हुई अवस्था में क्यों दी? क्या प्रकृति से कोई गलती होती है, या फिर ईश्वर कोई गलती करता है? तो इतनी सी बात तो आप भी समझ सकते हैं, कोई भी साधारण मनुष्य समझ सकता है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था की है वह बिल्कुल सही की है। प्रकृति कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, इसीलिए मैं कुंडलिनी के प्रयोग को अप्राकृतिक कहता हूं। देखिए, प्रकृति ने हमारे शरीर को जिस प्रकार से व्यवस्थित किया है, जीवन जीने के लिए शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना प्रकृति स्वतः ही दे देती है। कई बार मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां आपको साधारण से अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तब यह कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है, और जरूरत पूरी होने के बाद यह वापस से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है। असल में यह प्राकृतिक ढंग से चलता रहता है, और कुंडलिनी का प्राकृतिक रूप से एक्टिवेट होना, इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर बहुत सी खोजें हुई जो साधारणता नामुमकिन लगती थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप अल्बर्ट आइंस्टीन को देख सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग को देख सकते हैं, या फिर श्रीनिवास रामानुजम को। पृथ्वी पर ऐसे हजारों लोग रहे जिनकी कुंडलिनी शक्ति प्राकृतिक रूप से सक्रिय हो जाती थी, और उसकी उपयोगिता के बाद वह फिर से सुसुप्ता अवस्था में पहुंच जाती थी। तो ईश्वर ने आपके भीतर सब कुछ पहले से ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। पर अब सवाल यह उठता है कि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाना गलत क्यों है, ये खतरनाक क्यों है? तो इसे ऐसे समझो, हमारे शरीर के भीतर छुपी हुई सूक्ष्म रूप में वो शक्तियां जिनकी प्राकृतिक रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें अप्राकृतिक रूप से जगाने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ प्रयास से यह शक्ति जाग जाती है, तभी आपको दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं देगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो शक्ति दी है वो आपको सुषुप्ता अवस्था में दी है। वह शक्ति उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। असल में जब आपको कभी आवश्यकता पड़ती है, तब यह स्वतः ही जाग जाती है और फिर से उसी अवस्था में पहुंच जाती है। ईश्वर ने आपके भीतर इस कुंडलिनी के प्रोग्राम को ऐसे ही बनाया है। कुंडलिनी शक्ति का प्राकृतिक रूप से जागने का मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार किसी महिला का बच्चा एक कार के नीचे आ गया, तभी उस महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उस कार को अपने हाथों से उठा दिया और बच्चे को बचा लिया गया। यह दृश्य देखकर सब हैरान हो गए कि भला कोई महिला कार को अपने हाथों से कैसे उठा सकती है। फिर बाद में मीडिया ने उस महिला से जानने की कोशिश की कि आपने ऐसा कैसे किया। महिला ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, यह कैसे हो गया। और जब उस महिला से दोबारा वो कार उठाने के लिए कहा गया, तब वह महिला उस कार को हिला भी नहीं सकी। ऐसे ही ना जाने कितने हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आपने सुने या पढ़े होंगे। इसका मतलब साफ है कि जितनी आपको आवश्यकता होती है, प्रकृति आपको प्रदान कर ही देती है। कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना ये अपने शरीर के साथ में छेड़छाड़ करना है, शक्ति के साथ खिलवाड़ करना है। आज मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग कुंडलिनी शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। जगह जगह ऐसे बहुत से सेंटर खुल चुके हैं जहां पर आपसे कुछ फीस लेकर आपकी कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। अगर आप कुछ प्रयोगों से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, जो अगेन मैं कहता हूं अप्राकृतिक है, तब आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? सबसे पहले तो अगर कुंडलिनी शक्ति जाग गई और आप उसे संभाल ना पाए, तो ज्यादा चांस होते हैं कि आपका दिमाग विक्षिप्त हो जाएगा, आप पागल हो सकते हैं।
और जो व्यक्ति पागल नहीं होते और लगातार कुंडलिनी के प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और उनकी वो सेंसिटिविटी इस हद तक हो जाती है कि वे लोग छोटी सी छोटी बात में बहुत अधिक पीड़ा महसूस करते हैं। किसी के द्वारा कहा गया एक छोटा सा गलत शब्द उन्हें बेचैन कर देता है। ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद उनकी मानसिक अवस्था नहीं बदलती, हाँ बदलाव होते हैं, उन्हें आनंद भी महसूस होता है। इस संसार के पार का आनंद वे महसूस कर पाते हैं, परंतु उससे कहीं ज्यादा उन्हें पीड़ा भोगने पड़ती है। इतना ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागरण हो गई है, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनकी कोई शक्ति जागृत नहीं हुई है। असल में ऐसे लोग सेल्फ हिप्नोटिज्म के शिकार हो जाते हैं। हाल ही में अभी दिल्ली की एक लड़की ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, बात हमारे एडिटर साहब से हुई। उस लड़की ने बोला कि मुझे सर से बात करनी है। तब हमारे एडिटर सूर्यदेव जी ने कहा कि आप अपना प्रश्न बताइए, तब सर से बात हो सकती है। उसने कहा कि पिछले महीने मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो गया, फिर 3 दिन बाद अगला चक्र जागृत हो गया, अभी पिछले हफ्ते मेरा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, और कल रात को तो मेरा सहस्रार चक्र खुल गया। तब सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है, अब आप हमारे सर से क्या जानना चाहती हैं? तब उस लड़की ने कहा कि मुझे अब आगे का प्रोसेस जानना है, कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब तो मेरे 7 चक्र खुल चुके हैं। तब सूर्यदेव जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के 7 चक्र खुल जाते हैं, फिर उसे बाहर से जानने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हो जाता है। अब तो आप दुनिया की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, आपको गुरु माता बन जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने ही दिमाग के साथ खेलते रहते हैं और किसी गहरे भ्रम में फंस जाते हैं। और एक सत्य ये भी है कि ऐसे व्यक्ति को इस भ्रम से निकालना थोड़ा कठिन होता है, समझदार को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सवाल यह उठता है कि कुंडलिनी जागरण होता कैसे है। आज दुनिया भर में हजारों मेडिटेशन सेंटर खुले हैं जहां अलग अलग प्रकार के ध्यान प्रयोग चलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको किसी मेडिटेशन सेंटर में जाना होगा। जब कोई भी मनुष्य अपने शरीर की सभी भारी हलचल को रोक देता है और शांति से आंखें बंद करके बैठ जाता है, सबसे पहले धीरे धीरे उसका शरीर शांत होना शुरू होता है, फिर मन शांत होता है। जब आपकी भारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता, तब वह शक्ति आपके भीतर स्टोर हो जाती है, और उसी शक्ति के धक्के से आपके भीतर दबी शक्तियां जागने लगती हैं। तो मेरा मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के ध्यान से आपके भीतर कुछ सूक्ष्म संभावनाएं जाग जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने पहले कभी नहीं बताई, असल में ध्यान भी अप्राकृतिक है। इसे ऐसे समझो, अगर ध्यान प्राकृतिक होता तो ईश्वर हर व्यक्ति को ध्यान देता, परंतु ईश्वर ने ध्यान किसी किसी को दिया है। जिसमें पात्रता होती है ध्यान उसका ऑटोमेटिक लग जाता है। आप इस बात को तो मानते ही होंगे कि जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तब ध्यान नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति आपके शरीर के द्वारा ये नहीं चाहती, और जब प्रकृति चाहती है तो ध्यान आपका कभी भी कहीं भी लग जाता है। मतलब अगर ध्यान का सॉफ्टवेयर सभी मनुष्य में होता तब एक उम्र में आकर यह ऑटोमेटिक सद जाता। जिस प्रकार सेक्स, काम ऊर्जा, यह प्राकृतिक है, काम वासना हर व्यक्ति में एक उम्र में आकर सक्रिय हो जाती है, उसके लिए आपको कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों है ना? तो ऐसे ही ध्यान के साथ होना चाहिए था, परंतु ध्यान सबका नहीं लगता। ध्यान बुद्ध का लगा, महावीर का लगा, जो प्राकृतिक था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जबरदस्ती हर व्यक्ति को कुंडलिनी की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप जबरन शक्ति को छेड़ोगे तो वह आपके लिए दुष्परिणाम देगी, आपको सुखद अनुभव नहीं होंगे। तो अब आप मेरी बातें सुनकर सोच रहे होंगे, क्या हमें ध्यान छोड़ देना चाहिए? नहीं, ध्यान कोई भी करो, लेकिन ध्यान करने से पहले आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो सभी क्रियाएं उस परमात्मा, उस ईश्वर पर समर्पित कर दो, क्योंकि जीवन में कभी भी आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से ध्यान भी नहीं होगा, बस उस परमात्मा की कृपा का इंतजार करो। अगर उस ईश्वर का कृपा रूपी प्रसाद आपको मिल गया, तब उसके बाद ना तो आपको ध्यान की आवश्यकता है, ना ही मंत्र जाप की, ना ही किसी गुरु की, किसी विधि विधान में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर तो सभी विधि विधान से बहुत दूर है।
उसे सीधे ही पाया जा सकता है। असल में आप लोग जो भी ध्यान करते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्रिया हो, तो उस क्रिया के पीछे कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई लालसा अवश्य होती है। परंतु जैसे ही आप ईश्वर के गुण से जुड़ते हैं, उसकी शरण में आते हैं, फिर आपकी सभी लालसाएं, सभी इच्छाएं अपने आप गिरने लगती हैं और ईश्वरीय कृपा आने लगती है। उसके बाद तो सब कुछ बिना साधे ही सद जाता है। और इसीलिए मैं अक्सर अपनी सभी वीडियोस में कहता हूं, मैंने अब तक कुंडलिनी के बारे में जितना भी बोला है, अंत में मैंने उसे खतरनाक ही बताया है। मैंने उनके प्रयोग भी बताए जो पहले आपको बताना जरूरी था, परंतु फिर छुड़वाना भी मेरा ही काम है। कुंडलिनी के चक्कर में पड़ोगे तो संसार में अटके रह जाओगे, ज्यादा चांस तो पागल होने के ही है, और अगर पागल नहीं हुए तो अधिक सेंसिटिव हो जाओगे, अधिक दुख और पीड़ाएं भोगोगे। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आत्म साधना करो, उस ईश्वर की साधना करो। छोटा सा ये प्रयास तो कर ही सकते हो, अब चाहे आप इसे ध्यान में करो या कैसे भी, यह आपके लिए अवश्य ही फलदायी होगा।